हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, हड्डियों को सूखा ढांचा बना देगी ये एक चीज। इसके लक्षण कौन से हैं? चार लक्षण बताने जा रही हूँ और 10 ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जिनके द्वारा इस एक चीज की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, हर विटामिन का अपना अपना अलग अलग काम है। हर विटामिन अपना अपना अलग अलग काम करता है और जिस विटामिन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके लक्षण आपको बता देती हूँ। अगर चार लक्षण आपको अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए इस विटामिन की कमी हो चुकी है। दोस्तों, शरीर के बेहतर कामकाज के लिए इस विटामिन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपकी हड्डियां बहुत कमजोर पड़ रही हैं, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कमजोर हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रूखापन रहता है, आपको कोई भी घाव हो जाता है, कोई भी जख्म हो जाता है, बहुत देरी से भरता है, या फिर आपको डिप्रेशन, थकान बहुत ज्यादा रहती है, आपको नींद अच्छे से नहीं आती, दोस्तों अगर ये लक्षण आपको अपनी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं और कभी कभार नहीं लगातार दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर के अंदर इस विटामिन यानी कि विटामिन डी की कमी हो चुकी है। वो भी ये नहीं है लगातार होने का मतलब है विटामिन डी की कमी अभी नहीं हुई बल्कि ये 3-4 महीने पुरानी है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर विटामिन डी की कमी लंबे समय तक रहती है तो ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी भी साथ में कर देती है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से हमारे द्वारा लिया गया कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बॉडी को नहीं लग पाता। तो दोस्तों, इसे पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा साधन है धूप लेना। अब बहुत सारे लोगों के पास धूप लेने का समय नहीं है तो वो अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर ले जिनके अंदर विटामिन डी हो, तो आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे अच्छा साधन है दोस्तों धूप लेना। लेकिन उसके बाद के साधन आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से साधन है जिनके द्वारा आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला है, आप संतरा खाइए। दोस्तों, संतरे के अंदर काफी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है जो कि शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए काफी मदद करता है। इसके अलावा आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन मशरूम का सेवन करने के लिए आपको इसे धूप में सुखाना होगा। जब ये मशरूम धूप में सूख जाएगी, इसको ड्राई हो जाएगी बिल्कुल, तो इसका एक आटा बना लीजिए और इस आटे को दोस्तों आपने अपने नॉर्मल जो कनक का आटा होता है, गेहूं का आटा होता है, उसके अंदर आधा गेहूं का आटा और आधा आपने मशरूम का आटा लेना है। इसे मिक्स करके अगर आप खाते तो आपको किसी दवाई को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका टेस्ट भी काफी नेचुरल होता है, यानी कि कड़वा या फिर फीका कुछ भी नहीं महसूस होगा, नेचुरल सा टेस्ट होगा और रोटी भी अच्छी ही बनती है। इसके अलावा दोस्तों, अंडे की जो जर्दी होती है यानी अंदर का जो येलो भाग होता है उसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। अब सनफ्लावर सीड यानी कि जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, रोजाना सिर्फ एक चम्मच लेना है। आप किसी भी चीज के अंदर उसे मिक्स करके ले सकते हैं, जैसे दूध के अंदर, पानी के अंदर, सैलेड के ऊपर कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर रोस्ट करके इसे कच्चा भी खाया जा सकता है। रोजाना का सिर्फ एक चम्मच ही काफी होता है। इसके अलावा दोस्तों, सैल्मन जो मछली है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, सैल्मन मछली आप ये नहीं है कि बहुत ज्यादा और रोजाना खाएं, क्योंकि जो नॉन वेज खाने से हमारी बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कितनी मात्रा में खाना। तो आप हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी में आपको वेजिटेरियन डाइट को ही अपनी डाइट में शामिल करना होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। आपके हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।